नमस्कार साथियों, ब्रेन ऑफ यूपी में आपका स्वागत है। आपको काफ़ी दिनों में इंतज़ार होगा मेरा, और आज कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर सहारनपुर परिवार को लेकर आपके सामने आया हूं, और ज़बरदस्त क्रम खबरें हैं जो कि काफ़ी मेरे पास न्यूज़ हैं, मगर उसमें कुछ न्यूज़ को लेकर कुछ सूचनाओं को लेकर ही अभी चर्चा करने वाले हैं। जो कि इस चर्चा में सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि 23/1/2024 में एक सहारनपुर परिवार का जो कमांड कार्यालय सहारनपुर भवन, उसके ज़रिए से एक लेटर जारी हुआ है जो कि मार्फिना विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर गौर करने वाली बात यह है कि इस पत्र को 26 जनवरी 2024 को लेकर जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर एक लेटर भी सहारनपुर परिवार ने मार्फिना विभाग से जारी किया गया है। प्रस्तुत ये पत्र जो है समस्त फ्रेंचाइजी सर्विस सेंटर सेक्टर रीजन एरिया मंडल प्रमुख हेतु है। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से ये आपको अवगत कराना है कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत माननीय प्रबंधन के निर्णय अनुसार इस वर्ष भारत पर्व सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस को 74वीं वर्षगांठ के अवसर ध्वजारोहण, राष्ट्रगान एवं भारत माँ की छवि का माल्यार्पण कर समारोह का आयोजन सादगीपूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। अतः उपरोक्त संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने का कष्ट करें, धन्यवाद। और ये जो प्रतिलिपि इसकी है, जो CCM माननीय डिप्टी मैनेजिंग वर्कर सचिवालय, CNA माननीय डिप्टी मैनेजिंग वर्कर सचिवालय कमर्शियल मिस लेनियस विभाग कमांड कार्यालय कार्ड सेल। मतलब कहने का ये है मेरा, इस लेटर को इस नज़रिए से देखा जाए कि जैसे कि अभी तक तमाम लगभग 4 से 5 साल बीच में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उसमें इस प्रकार के लेटर नहीं आते थे। कहीं ना कहीं लेटर में यही आता था कि वैसे अपने हिसाब से बना लीजिए, मगर इसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव बातें नज़र आ रही हैं। और पॉजिटिव बातों को लेके हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अभी जो कार्यालय हैं, समस्त जो कार्यालय खुले हुए हैं, उनमें अभी एक डाटा मांगा जा रहा है। डाटा किस प्रकार का डाटा मांगा जा रहा है? डाटा उस प्रकार का मांगा जा रहा है जो कि डिफेंसिटी में से जो कमियां आई थीं, उन लोगों को जो कागज़ नहीं पहुंचे सही से, जो जिसमें जो कमियां आ रही हैं, उस कमियों में कुछ फार्म जो रह गए थे ऑफिस में जमा, तो उस क्योंकि कुछ सेक्टरों में मकानों सब बेकार हो गया, फ्रेंचाइजी गर्जन का जिनका इनपुट तो था 2020 और 2021 का जो नहीं जा पाया था किराए की वजह से, ताला लग गया था, उन सभी के पास जोन से कॉल आ रहा है। मेरे पास भी कॉल, तमाम लोगों के पास जो FC मैनेजर उनके पास भी कॉल गया है, और जो अविलंब इनपुट कमांड पहुंचा सकें उनसे सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है। और 6 माह का किराया भी कुछ लोगों को दिया गया है, कुछ लोगों से, कुछ तमाम जो सारा के FC मैनेजर हैं और तमाम जो वरिष्ठ हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी कहा है कि 6-6 महीने का किराया मेरे यहाँ आया है, और किराया जो कि मकान मालिक को दिया है, तो उससे ब्रांच में ताले डलेते कहीं ना कहीं खुल सकें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बैंकिंग का काम सहारनपुर सोसाइटी को बैंकिंग का काम दिया जा सकता है, मगर ये कि अभी इसमें पुख्ता सबूत तो नहीं है कोई चीज़ की, मगर इस चीज़ को बस आकलन कर सकते हैं कि माननीय अमित शाह जी जो कि सहकारिता मंत्री हैं, उनके ज़रिए से अगर जो उनके शब्द थे, उनके शब्द में अगर सुनने जानकारी ली जाए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी बात रखी है कि जितने भी सहकारिता विभाग सारा क्रेडिट सोसाइटी हैं उनको सब बैंकों में आना चाहिए, तो उनसे एक इशारा मिला है। शायद इसी को चलते कुछ लोग YouTube बना रहे हैं कि सहारनपुर परिवार की सोसाइटियाँ जो हैं उसमें बैंकिंग का काम लेने जा रही हैं, जो कि बहुत जल्द आप लोगों को दिखेगा। देखिए जानकारी ये तो हमें नहीं जानकारी आ रही है, मगर इतना जानकारी ये कन्फर्म बता दे रहे हैं आपको कि एक मीटिंग जो है सहारनपुर परिवार और प्लस SEBI और RBI और CRC इनके बीच एक मीटिंग शायद है 2-4-5 दिन के अंदर होना तय है। इस मीटिंग के बाद ही कन्फर्मेशन ये हो जाएगा कि इनको लाइसेंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगर वहाँ से जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आएगी वो आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी, इसके बाद ही कन्फर्म हो पाएगा कि सहारनपुर परिवार की सोसाइटियाँ जो कि 4 सोसाइटियाँ हैं, सहारा क्रेडिट, सहारियन मल्टीपल, स्टार पल और तुम्हारी जाके जे हमारा इंडिया, तो इनमें इनको बैंक की प्रणाली को तहत काम मिलने वाला है कि नहीं है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मगर फिलहाल में सुख बुखार यही है कि सहारनपुर परिवार अपने ऑफिस के माध्यम से पेमेंट करने जा रही है, और जल्द से जल्द जो ऑफिस खुलेंगे
और अगर ऑफिस खुलें तो इसके लिए कम से कम ये फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च के बाद ही ये सब होगा। मगर ये कन्फर्म तय है कि कहीं ना कहीं स्वप्ना राव जो हैं, सारा शरीर की जो मिसेज हैं, मैडम हैं, पत्नी हैं, उन्होंने इसका बीड़ा उठा रखा है। उनके भाई जिब्रत राय जो हैं, उन्होंने भी इसको बीड़ा उठाया है। तो कहीं ना कहीं अब जो लगता है कि कुछ कुछ